और सो फ्लिपकार्ट पर जो है ना बिग शॉपिंग डेज जो है ना वो शुरू हो चुका है, जो 18 तारीख से शुरू हुआ है। ऐसे में यहाँ पर सारी की सारी कैटेगरीज पर हमको काफ़ी अच्छे ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्मार्टफोन्स के बारे में, किन किन स्मार्टफोन्स पर कितना ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है और कौन सा स्मार्टफोन्स दे रहा है हमको वैल्यू फॉर मनी, आज इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर राजपूत, आप देख रहे हैं लेटेस्ट। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ स्मार्टफोन्स लेके आए हूँ जहाँ पर मैं आपको ये रेकमेंड भी करूंगा, और ये सिलेक्टेड स्मार्टफोन्स जो है ना वहां पर मैंने कैमरा और जो परफॉर्मेंस है उनको देखकर सिलेक्ट किया है, जहां पर ये सभी स्मार्टफोन्स कम कीमत में अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी कैमरा क्वालिटी दे रहे हैं। हालांकि स्मार्टफोन्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने यहां पर लगभग 8 या 10 स्मार्टफोन सिलेक्ट किए हैं जिनके बारे में आपको विचार करना चाहिए, और इन सभी स्मार्टफोन्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ ऑफर और प्राइस के बारे में बात कर पाऊंगा, ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं कर पाऊंगा। स्पेसिफिकेशन अगर आपको पता तुरंत करना है तो आपके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह भी डिटेल में चेक कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन जो है ना वो शॉर्ट में मैं इस वीडियो में बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हमारी नज़र में एक फ़ोन निकल के आता है इन्फिनिक्स का। जी हाँ दोस्तों, इन्फिनिक्स भले ही ब्रांड वैल्यू इस समय इसकी कुछ ज़्यादा है नहीं और इस समय काफ़ी दिनों से संघर्ष कर जरूर रहा है, लेकिन इस बार जो है ना इन्फिनिक्स ने एक अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च किया है सच में, क्योंकि इसमें जो है ना चिपसेट आपको अच्छा मिल जाता है, G70 जो है ना चिपसेट इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है इन्फिनिक्स के इस फ़ोन में, ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा जो है ना इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर लगभग 7 इंच की जो है ना वो डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। हालांकि डिस्प्ले जो है ना वो HD+ है, Full HD+ नहीं है, तो यहाँ पर ये थोड़ा है लेकिन इतना तो चलेगा। 4GB रैम मिल जाती है आपको, 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, और इसके अलावा 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, और MediaTek Helio G70 चिपसेट तो मिल ही जाता है। इसके अलावा 48+2+2 मेगापिक्सल प्लस एक AI लेंस भी इसमें दिया गया है, तो 4 कैमरा सेटअप मिल जाते हैं यहाँ पर, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो ऐसे में जो ऑफर्स हैं वो सभी स्मार्टफोन्स पर लागू हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है ना अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है या फिर आप कहीं से व्यवस्था बना लेते हैं SBI क्रेडिट कार्ड की, तो यहाँ पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सभी फ़ोन्स पर डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ कुछ स्मार्टफोन्स छोड़ के जो अभी भी लॉन्च हुए हैं, तो यहाँ पर 1250 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको देखने को मिल सकता है, उससे ज़्यादा डिस्काउंट पर कार्ड नहीं मिलने वाला, तो ये चीज़ याद रखिए। तो कार्ड की कहीं व्यवस्था बन जाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी। तो ये फ़ोन जो है ना अपने प्राइस पॉइंट पे, यानी कि इस फ़ोन की जो कीमत है वो 11,000 रुपये है, 11,499 रुपये। तो ये फ़ोन जो है ना अच्छा है और आप इस पर जा सकते हो। इसने इन्फिनिक्स ने पहली बार ये अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो वाकई में काफ़ी दिनों तक चलने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे स्मार्टफोन की। तो दूसरे स्मार्टफोन जो है ना यहाँ पर एक रियलमी का निकल के आता है, रियलमी नार्जो 10 जो है ना वो 48 मेगापिक्सल के साथ आता है, कीमत 12,000 रुपये है, और ऐसे में इस फ़ोन में आपको चिपसेट भी अच्छा देखने को मिल जाता है, जो परफॉर्मेंस वाइज जो है ना आपको कोई भी इशू यहाँ पर नहीं आएगा, चाहे गेमिंग वगैरह करते हैं। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, MediaTek Helio G80 चिपसेट मिल जाता है, 12nm की टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो ये काफ़ी अच्छा बात है। अगर ये 12000 का है, यहाँ पर 1200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये काफ़ी कम कीमत में आपको मिल जाएगा, तो ये फ़ोन भी अच्छा है। डिस्काउंट की व्यवस्था कहीं से कार्ड की बना लीजिए, काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये अपने प्राइस पॉइंट पे। तीसरे फ़ोन की यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर अभी लॉन्च हुआ एक Poco M2। अभी तक मैंने ये दो फ़ोन बताए आपको, उन सबसे ये अच्छा फ़ोन है Poco M2, अभी लॉन्च हुआ है, हालांकि आउट ऑफ स्टॉक है, तो इस सेल के दौरान आपको मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये तुरंत आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, लेकिन आप बार बार ट्राई करते रहिए आपको मिल ही जाएगा। 11,000 रुपये का ये फ़ोन है, 6GB रैम मिल जाता है और 64GB का इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर जो कैमरा वैमरा है वो भी अच्छा दिया गया है, और यहाँ पर डिस्प्ले है वो यहाँ पर 6.53 इंच का Full HD+ डिस्प्ले दिया गया है, 13+8+5+2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है, फ्रंट कैमरा जो है ना 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है, 5000mAh बैटरी के साथ आपको जो है ना 18W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, MediaTek Helio G80 चिपसेट मिल जाता है। तो ये एक अच्छा पैकेज लॉन्च किया है इस बार पोको ने, आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हैं अगर आपका फ़ोन 10-11 हज़ार रुपये के आसपास है, तो बजट अगर आपका बजट 10-11 हज़ार रुपये के आसपास है तो आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हैं। अगले फ़ोन की बात करते हो तो यहाँ पर फिर से जो है ना पोको का ही फ़ोन निकल के आ रहा है, और यहाँ पर पोको M2 Pro
कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था पोको M2 Pro। 14,000 रुपये का ये फ़ोन अभी तक यहाँ पर इसकी MRP रेट है। 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 1,250 रुपये आप यहाँ पर कम कर लीजिए अगर आपके पास कार्ड व्यवस्था बन जाती है। हालांकि इन सभी स्मार्टफोन्स पर जो है ना एक जो एक्सचेंज वैल्यू मिल जाती है, तो अगर एक्सचेंज वगैरह कोई आपके पास पुराना फ़ोन पड़ा हुआ है तो एक्सचेंज करते हो तो 2,000-4,000 रुपये का और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। वो आपके फ़ोन की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप जिस फ़ोन को एक्सचेंज कर रहे हो वो किस कंडीशन का है, उसी हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 13,000 रुपये वाला अगर आप फ़ोन है, कार्ड वगैरह अप्लाई करते हो, एक्सचेंज वगैरह करते हो, तो हो सकता है 10-11,000 में आपको मिल जाए। तो ये एक अच्छी डील हो सकती है पोको M2 Pro। और ये फ़ोन जो है ना अपने आप में काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन को लेकर आता है। यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट देखने को मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है और 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो ये इसकी हाईलाइट है, फास्ट चार्जिंग वगैरह मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छा फ़ोन है अपनी प्राइस पॉइंट पे, अगर आप 10-12 हज़ार रुपये में आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले फ़ोन की। तो ये फ़ोन निकल जाता है रियलमी 6i। ये भी 14,000 रुपये का फ़ोन है और ये फ़ोन जो है ना MediaTek Helio G90T चिपसेट के साथ आता है, जो रियल में वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। किसी भी तरह का कोई भी इश्यू नहीं आएगा, फिर चाहे वो गेमिंग हो या फिर डेली यूज हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। 400 या 300 mAh की बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग मिल जाती है यहाँ पर, 48 MP का कैमरा मिल जाता है और 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो 14,000 वाला फ़ोन है, अगर आप कार्ड वगैरह अप्लाई करते हो, एक्सचेंज वगैरह करते हो, तो हो सकता है आपको ये 10-12 हज़ार में मिल जाए। तो ये भी अच्छी डील होगी और आप इसको परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इशू आपको यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं कुछ सैमसंग के स्मार्टफोन की। हालांकि सैमसंग गैलेक्सी M51 वो अमेजन पर मिलता है, इस यहाँ पर तो नहीं मिलता है, नहीं तो वो एक वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन था। तो अमेजन पर ऑफर आएंगे तो उसके लिए मैं वीडियो बना ही दूंगा, तो आप उसका वेट कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो ऑफर्स का बनाता ही रहता हूँ आपके लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A21s जो है ना पहली बार इतना सस्ता हुआ है, 14,999 रुपये इसका रेट अभी दिखा रहा है। कार्ड वगैरह लगाएंगे तो ये काफ़ी कम कीमत के साथ आ जाएगा आपको, और ऐसे में एक्सचेंज वगैरह करते हैं तो हो सकता है 12-13 हज़ार रुपये में ये फ़ोन आपको पड़ जाए। तो ऐसे में ये फ़ोन जब इतना सस्ता पड़ता है तो काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि इसमें जो चिपसेट यूज किया गया है वो एक्जिनोस जो है ना 850 का ऑक्टाकोर चिपसेट यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो पुराना चिपसेट है उतना अच्छा काम नहीं करता है, लेकिन सैमसंग की ब्रांड वैल्यू है इसलिए ये फ़ोन चल रहा है। और ऐसे में 48 MP का यहाँ पर मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, 6.5 इंच का HD+, फुल HD+ नहीं, HD+ डिस्प्ले है, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखिए। और 5000 mAh की बैटरी है, तो यहाँ पर ब्रांड वैल्यू सैमसंग की जरूर मिल जाती है, लेकिन फीचर इस फ़ोन में कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ओवरऑल ठीक है, अच्छा डेली रूटीन में आपको कोई दिक्कत नहीं देगा यहाँ पर। और परफॉर्मेंस वाइज आपको ज़्यादा हैवी गेमिंग तो करनी नहीं इस चिपसेट के साथ, तो आप नॉर्मली फोटोग्राफी के लिए ले सकते हैं, और परफॉर्मेंस वाइज जो है ना ठीक ठाक काम करने वाला है। अगला फ़ोन निकल के आता है, ये सबसे धांसू फ़ोन है मेरी लिस्ट में, और वाकई में इस फ़ोन के बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है इस फ़ोन में कि लोग इसके बारे में सोचते क्यों नहीं, लेकिन वाकई में रियलमी तरफ से ये फ़ोन बहुत अच्छा फ़ोन लॉन्च किया गया था। इसका नाम है रियलमी X3 यहाँ पर 25,000 रुपये दिखा रहा है, कार्ड वार्ड लगा लेंगे यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर एक्सचेंज वगैरह कोई पुराना फ़ोन करती है तो हो सकता है ये फ़ोन 20-22 हज़ार रुपये में पड़ जाए। अब 20-22 हज़ार रुपये में अगर ये फ़ोन पड़ रहा है तो स्पेसिफिकेशन जो है ना बहुत अच्छी है, बहुत दमदार फ़ोन है, क्योंकि ये फ्लैगशिप फ़ोन है। अब अगर 20-22 हज़ार रुपये में आपको फ्लैगशिप फ़ोन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में 6GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, 64 MP का मेन कैमरा दिया गया है, 4200 mAh की बैटरी है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855+, जी हाँ दोस्तों 855+ चिपसेट जो है ना इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, जो एक फ्लैगशिप चिपसेट है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। 7 नैनोमीटर के साथ ये चिपसेट आता है, ऊपर से आपको 120Hz का डिस्प्ले में जो है रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, और लिक्विड कूलिंग सिस्टम इस फ़ोन में दिया गया है, फास्ट चार्जिंग तो आपको यहाँ पर मिली जाती है। तो ये सारी की सारी जो है ना एक फ्लैगशिप फ़ोन है ये, और आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल फ्लैगशिप वाली देखने को मिलेगी। 20-22 हज़ार रुपये में अगर आपको फ्लैगशिप फ़ोन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर UFS जो है ना 3.1 का जो है ना आपको सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है, बहुत अच्छा फ़ोन है ये। वन का फ़ोन निकल के आता है है, जो वाकई में बहुत अच्छा फोन है, इसका नाम है Redmi K20 Pro।
Redmi K20 Pro ये एक फ्लैक्सी स्मार्टफोन है। कीमत जो है ना अभी इसकी 22,999 रुपये दिखा रहा है। कार्ड वगैरह लगाएंगे आप या फिर एक्सचेंज वगैरह करेंगे तो हो सकता है ये फ़ोन आपको 20,000 रुपये से भी कम में पड़ जाए। अब 20,000 रुपये से भी कम में अगर आपको एक फ्लैक्सिप स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात होने वाली है, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिकेशन अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट देखने को मिल जाता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 6GB रैम 128GB वाला जो वेरियंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्वालकॉम का जो चिपसेट है फास्ट चार्जिंग मिल जाती है हमको, 30W की 4000mAh की बैटरी है, फ्लैगशिप कैमरा है 48MP 20MP फ्रंट कैमरा है, पॉपअप सेल्फी कैमरा इस फोन में देखने को मिल जाता है, यानी कि लुक वाइज स्टाइल के लिए फ़ोन काफ़ी अच्छा है। बैक में आपको ग्लास बैक मिल जाता है, स्क्रैच वगैरह हाल फिलहाल आने नहीं है तो प्रीमियम लुक देता है। तो ये फ्लैगशिप फ़ोन है, बहुत अच्छा फ़ोन है। अगर आपका बजट जो है ना 20,000 रुपये के आसपास है तो आप इस फ़ोन के लिए जाने की कोशिश कीजिए, वाकई में आपका वैल्यू फॉर मनी ये स्मार्टफोन होने वाला है। ऐसे में आप मुझे कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा फ़ोन आपको पसंद आया है, कौन सा फ़ोन आप परचेज करना चाहते हैं कमेंट करके हमको बता दीजिए। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।